जा सकता है। अब आइए स्वामी जी की इस विरासत के विषय में कुछ पंक्तियां हम और समझें। स्वामी जी की अनंत ऊर्जा से संपन्न विचारों ने भारतवासियों को जगाया, उनमें आत्मबोध को उच्चिष्ट किया, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज हम आजाद भारत में बड़े गौरव के साथ जीवन जी रहे हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से ही प्रसिद्ध विज्ञान अनुसंधान केंद्र, शिक्षा संस्थान, तकनीकी संस्थान आदि का विकास हुआ। रामकृष्ण मिशन के रूप में हम देखते हैं कि स्वामी जी के वही महान विचार किस प्रकार से भूमि पर क्रियान्वित हो रहे हैं, और जन जन की सेवा करने के लिए रामकृष्ण मिशन संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी विरासत ही है। जहां विश्व भारत को पिछड़ा एवं अशिक्षित देश के रूप में देखता था, वही स्वामी जी के पश्चिम की यात्रा के बाद भारत को एक महान देश के रूप में देख रहा है। विदेशियों के द्वारा सपेरों का देश कहा जाने वाला भारत अब सर्वत्र विश्व में अध्यात्म का केंद्र बनता जा रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वह दिन दूर नहीं जब स्वामी जी के द्वारा कहा गया कथन कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, वह भी निकट ही आ रहा है। स्वामी जी के विचार हमारा चिरकाल तक मार्गदर्शन करके हमें मनुष्यत्व का पाठ पढ़ाएंगे। स्वामी जी द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के संतजन जहां निरंतर स्वामी जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वहीं जीव कल्याण सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर हम लोग अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं, और हमारे जीने का या हमारा जो सृष्टा ने इस सृष्टि में सृजन किया है उस लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं। ये क्षेत्रीय वासियों के लिए इतना सुलभ हुआ है कि स्वामी जी इस भवन के कण कण में उपस्थित है। खेतड़ी के विभिन्न भागों में जब उन्होंने यात्रा की होगी, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की लीलाएं की होंगी, यहाँ पर रह के भगवान का जो भजन और भगवत प्राप्ति की होगी, वह भी हमारे कण कण में स्पंदित हो रहा है। हम सबको इसके लिए गर्व तो करना ही चाहिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ के उस सृष्टा को धन्यवाद भी निवेदित करना चाहिए। राजा अजीत सिंह जी की तरह ही जो आदर्श स्थापित किए गए कि कैसे एक आदर्श शिष्य बना जाए, कैसे एक भाई बना जाए, कैसे एक मित्र बना जाए, कैसे एक शासक बना जाए, वह भी हमारे लिए विचारणीय होने के साथ साथ आत्मसात करने योग्य है। यह भी हमारे लिए विभिन्न आदर्श भावों को पुष्ट करने जैसा है, और सही अर्थों में यही हमारी विरासत है। इसके तहत ही आज हम इस पावन भवन में बैठ करके राम भगवान रामकृष्ण देव के परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य राजा बहादुर अजीत सिंह जी का पावन स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे इस बड़े गरिमामय मंच पर पूज्य स्वामी जी ने स्थान दिया, मैं अपने आप को कितना प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में करना संभव नहीं है। इस अवस्था में यदि मुझे कोई नोबेल पुरस्कार भी दे बदले में, तो मैं उसे अस्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वामी जी के चरणों में इस कृपा के लिए वंदन करते हुए अपना धन्यवाद निवेदित करता हूँ। साथ ही आज के इस पावन उत्सव पर अभिव्यक्ति के लिए मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए पूज्य स्वामी यज्ञधरानंद जी के महाराज के चरणों में भी वंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है। मुझे आशा है कि स्वामी जी और राजा जी के संबंध में जो जानकारी मैं किंचित मात्र अल्प समय में आपको दे पाया, वो हमारे लिए लाभदायी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान रामकृष्ण देव।